अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद हम सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। कहते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं लोग का कुदरत सलाम अफगान और अब के लोग है एक अवानी 100 पाकिस्तानियों पर भारी। क्या सीन है भाई, ये कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? अच्छा इज इट पॉसिबल? तो आज करेंगे वीडियो को, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ माजरा, क्षमा, माफी, और मुझे पता आपका दिल बहुत बड़ा, आप मुझे दे देंगे माफी। गलत फहमी में मत जियो। माफी मांगने की वजह है कि आप लोगों ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं गया हुआ था गुजरात मोदी जी को जितवाने के लिए, और मोदी जी को जितवा के ही मैं आपके सामने प्रकट हुआ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे। नेवर। अब बात करते हैं हमारे असली मुद्दे की। Okay. अफगानिस्तान की भारत के साथ दोस्ती ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हिंदुस्तानी लोग अफगानियों से प्यार करते हैं, अफगानी लोग इंडियन से बहुत प्यार करते हैं। और बीच में हमारे लटका हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानी लोग भी पाकिस्तानी लोगों से और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करें जितना प्यार वो भारत से करते हैं। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अफगानी पाकिस्तान को देते हैं ये बाबा जी का ट्रेल। मोहब्बत तो दूर की बात, गाली देना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं मेरा दिमाग है। इसका सबसे ताजा उदाहरण एग्जांपल अगर आपको देखना है तो मेरे साथ बने रहे। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, पाकिस्तान के अंदर लगभग 15 से 20 लाख अफगानी लोग शरणार्थी के तौर पर रहते हैं, जिनमें से काफी लोगों के वीजा, पासपोर्ट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, शिनाख्ती कार्ड जो भी होते हैं सब कुछ बने, वो वही रहते हैं, खाते पीते, अपना बिजनेस व्यापार जो भी करते हैं। यहाँ तक कि इन अफगानी लोगों की मुख्तलिफ कॉलोनियां भी पाकिस्तान के अंदर अलग अलग शहरों में बनी हुई है। और एक अफगानी कौमी ऐसी है जो पाकिस्तान में खड़ी होकर पाकिस्तान की बैंड बजाती है और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है। तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली खान जिंदे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अफगानी और पाकिस्तानी का हो गया सामना, इसके बाद क्या हुआ वो आप देखिए, और मजा ना आया तो सारे पैसे वापस, तो चलते पाकिस्तान। क्या मेरा आप लोगों से बात करने का पर्पस है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं एक सिटी की? ओके। आप भी बता देंगे सिटी कौन सी है? साइंस सिटी है। साइंस सिटी जी? हां जी। डॉक्टर कदीर ने कड़ी? हां जी डॉक्टर कदीर ने कड़ी। वो आपने देखना, देखने के बाद बताना कि ये कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है। ये देखिए ये कौन सी है, ये दुबई में, ये ऑस्ट्रेलिया लग रहा है यार। आई गेस मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऑस्ट्रेलिया मैनब्रो लग रहा है, क्योंकि ये मैंने वीडियोस देखी हुई है आपकी। दुबई है क्वेटा। अच्छा टेल मी अबाउट कि ये को आप बता देना। और ये पाकिस्तानी वीडियो के अंदर भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं अहमदाबाद साइंस सिटी का, जबकि सबसे बड़ी साइंस सिटी अगर कहीं है तो वो कौन सा था। इससे प्यारी अच्छी वीडियोस, अच्छी सिटी डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, बनी हुई है, लाहौर के अंदर बनी हुई है। आई मैं आपको अभी विजिट करवाता हूँ साइंस सिटी। आपने बिल्कुल, आपने अरेस कोर पार्क देखी? हाँ, मैं आपको अभी विजिट करवाता हूँ। ये कौन से पार्क में? ये रेस कोर्स पास में ही खड़े हैं हम, और आप राइट लेफ्ट देखे ना, सारी साइंस सिटी और क्या है। अच्छा मजाक कर रहा है ये तो आपने जुगत लगाई है यार। जुगत नहीं लगाई थी यार। ओके पता क्या, पाकिस्तान की कंट्री दिखाए पाकिस्तान, हम लोग है पाकिस्तान, हम लोग है पाकिस्तान की कंट्री दिखानी चाहिए इसमें इंडिया, पाकिस्तान की जिसमें कोई खास बात है जो मैं दिखा रहा हूँ। साइंस सिटी बनाई है भाई, हमने कोई साइंस सिटी नहीं बनाई, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ना। हमारा जो साइंसदान था वो तो चलो उसकी डेथ होगी डॉक्टर कदीर साहब, अगर होते तो चलो एक साइंसदान के साथ पूरा मुल्क चला गया है, चला गया जाहरी बात, उसके उस जैसा हीरो भी नहीं है। कैद आजम था, उसके अलावा कैद आजम कोई बना नहीं जी, हर एक हीरो सहनदान तो नहीं था, हमारा लीडर था, लेकिन उसका जो दिमाग था उसका चलना करना वो सहनदान से ही था। भाई सुपारी निकाल प्लीज। क्या बात है, सुपारी निकाल। उन्होंने जो पाकिस्तान बनाया, जो हमारे लिए जद्दोजहद की है, वो इससे भी बेहतर था। एग्जैक्टली आप एक्यूरेट सही कह रहे हैं, लेकिन साइंस सिटी पाकिस्तान में नहीं है। और नहीं तो क्या, चले नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोई अजैब घर निकाल लो, वो दिखा सारे दिखा, लेकिन ये आपने इंडिया का कोई भी ना दिखाया करो, मुझे दुख हुआ भाई। इंडिया को ये दिखाया, इंडिया का दिखाया तो दुख हुआ भाई। इंडिया में तो ऐसी साइंस सिटियाँ बहुत है, कितनी बार दुख करेगा, कितनी बार मातम करेगा मेरे भाई, तेरी तो जिंदगी मातम करने में निकल जाएगी। अच्छा कि अगर देखें पाकिस्तान के अंदर नहीं है तो एक हमारा पड़ोसी मुल्क ही है ना, पहले तो एक ही थे
पड़ोसी मुल्क नहीं है सर, पता गया पड़ोसी वो उठता है जो एक दूसरे का ख्याल करे, वो हमारा ख्याल करता आए दिन बॉर्डर पे, वो हमारे पाकिस्तान कत्ल कर रहे हैं। जवाब नहीं देते, जवाब देते हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ा है कि पहला पहल वो करते हैं ना, हम तो नहीं करते। जवाब देते हैं, जवाब देते हैं, लेकिन जुल्म तो नहीं ना, जुल्म जुल्म होता है, हमारे बहने हमारे बच्चे सभी, वो हमारा जुल्म नहीं है, जब पहल उन्होंने की फिर हमारा जुल्म बनता ही नहीं है। बिल्कुल, पहल करे तो उसके जवाब तो देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता, आप जवाब नहीं देते? देता हूँ, बिल्कुल देते हैं, हमारी आप देती है जी, हमारी फौज, हमारी फौज, हम फौज में से ही है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी फौजी हूँ, आप भी फौजी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप तरक्की कर रहे हो तो मैं आपके अप्रिशिएट करूंगा कि भाई आप तरक्की कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात बताइए, इंडिया क्यों हमारी तरक्की से चलता है? इंडिया की तरक्की से चलता है तो भाई हम जल के दिखाएंगे भाई, और इसके लिए बुलाया मैंने महान यूट्यूबर को। भाई मेरे आग लग रही है तन बदन में, पाकिस्तान के नाम से मैं साले का गला दबा दूंगी, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दूंगी, लाहौर पर फतह कर लूंगी, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जल तो मैं और भी सकता हूँ सालो, क्या करूँ, मेरे मेरे कुछ आ नहीं रहा, खून खोलता है मुझे तुम्हें देखकर, बस आज के लिए इतनी जलन काफी, बाकी फिजा खलीफा से पूछना। तो फिर तो सर खुजाएंगे, अब तो ये परेशान होंगे, अब तो इनकी हवाइयाँ उड़ेंगी, अब तो इनके होश उड़ेंगे, अब ये क्या करें, कहाँ जाएं? वो गलत है आपने, जो आपने इंडिया का नाम ले लिया ना, तब से मेरा दिमाग मेरे सेट भी, ये देखो ना सिद्धि पद्धि होगी, ये भी है सेट भी होगी, लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, आई लव पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान नाम होना बाकी के, सर जी मैं बता तो रहा हूँ आपको, और नहीं कल क्या कह रहे, आप इतना डर क्यों रहे हो यार माइक से, तू जनानियां तरह शर्मा रहा, सीधा पाकिस्तानी मर्द अफगानी, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अफगानी है, हम अफगानी इंडिया से दूसरी। ओ यार आप बोलो फिर गलत कर रहे हो हमारे साथ, आप ज्यादती कर रहे हो, क्यों हम पाकिस्तान पे रहती हो तो टैक्स देते, क्यों आप फिर हम टैक्स देते हैं, पाकिस्तान में घूम रहे हो, पाकिस्तान से गरारी करते हो, इंडिया आ जाता है, मेरी बात सुने, कल अंग्रेज इधर आए थे, उन्होंने आई लव पाकिस्तान का बोला था, नारा लगाया, क्यों वो अब क्या करे, क्या करते हैं हम, पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है, हम पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है, कौन गुलाम है, तुम बोलते हैं हम गुलाम नहीं है, हम आजाद मुल्क है, हम अपना पागल को पकड़ो, आजाद कहाँ से, अभी तक बोतल पिया हुआ है जो नहीं, आजाद कहाँ से, अभी तक हम लड़के का गुलामी कर रहे, सिर्फ नाम आजाद का है, आजाद तुम आपका वजीर आजम अमरीका वाला मालूम करते हैं, हम आजाद है, 40 साल लड़ा है फिर भी आजाद है, अफगान है, इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई वो अच्छा है तो उसको अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा है हमारे साथ, हमारा कोई नुकसान नहीं किया, मुंह पे तमाचा मार दिया, बॉर्डर बंद हो जाए पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें ये पता है, पाकिस्तान पाकिस्तान क्या किया आपने पाकिस्तान के लिए, क्या किया है बताओ, सिर्फ एक बार स्लिप हो गई, ये किया बस, कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, पता क्या है भाई, बात ये है कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं आपको लड़ो, मैंने तो भाई एक फैक्ट बताया था आपको, कि फैक्ट मैंने, लोग मजाक कर रहे ईसाई वाले, बात पता क्या, अफगानियों की बात और इंडिया की बात होनी यार, आप पाकिस्तान में रहे हो, पाकिस्तान की बात बताऊं कि जो अफगानिस्तानी है, जो अफगान के बंदे हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, यही वजह पूछते हैं ना दोस्त, उनके साथ अच्छे हमसे मुदाफे, भाई ये आपकी मेंटालिटी है ना, जो आपके साथ आपका दोस्त खराब होगा तो ये भी खराबी करेंगे, क्यों पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हो, ये बात मुझे, आपका कारोबार या कुछ लेन देन है ना, हम किसे, चीन को क्यों पसंद करते हैं, चीन हमारा साथी मुल्क है, हमें जो इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है, अफगानिस्तान का जो, अफगानिस्तान का जो हमारे भाई है, तो अफगान इंडिया वाले हमारे भाई है, लेकिन दुश्मनी वाली बात, क्या दुश्मनी, मेरी बात सुन रहे ना, दुश्मनी तो यहाँ पर बनती नहीं, वो फैक्ट है, अगर वो इंडिया को लाइक करते तो हमें हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए, हमें इससे मसला ही नहीं होना चाहिए, बात पता क्या है, इंडिया को मैं जो भी, हमें खुद अपने आप को, मेरी बात सुने पहले, मेरी बात सुने, हमें खुद को इतना बड़ा पावर बना लेना चाहिए कि अगर इंडिया जैसे मुल्क पाकिस्तान के नाम से डरे, लेकिन अगर आप इकोनॉमी की बात, पहले मेरी बात सुने, इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम इस टाइम दुनिया के 150 कंट्रीज में भी लिस्ट में भी नहीं आ रहे, नहीं इतने डाउन हो गए, सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी गलती नहीं मानते, हम अपनी गलती नहीं मानते, गलती ये है कि सिर्फ एक हमारी गलती नहीं है, हमारे लीडरों की गलती, सर अपनी लीडर पे गलती ना डालें, गलती आपकी भी है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुने, जो आप ये बात नहीं मान रहे, ये गलती किसकी है,
ये पता क्या गलती हमारी नहीं है, हाँ ये हमारे लीडर की गलती है जिन्होंने अपनी गुलामी की है और हमें भी गुलाम बना के गुलामी की है। गुलाम बात सुने, हम गुलाम नहीं है, हम कौम है, हम गुलाम नहीं है। एक बंदा आपके अफगानी गुलाम है, खत्म करते हैं मामले को। जो इस अफगानी ने इन पाकिस्तानी की धुलाई की ना, इस धुलाई के ऊपर कम से कम दो दो कमेंट एक इंसान को करने ही करने चाहिए okay. ताकि अफगानी भाइयों का हौसला बुलंद हो okay. और कमेंट कर लो तो भैया लाइक भी कर देना और इसके बाद एक शेयर करने का ऑप्शन आता है, शेयर भी कर देना okay, क्योंकि okay. आपके भाई के एल्गोरिथम की बैंड बच चुकी है, इसके लिए 15,000 लाइक तो करवाई हमारे भी। तो ये था जो कि वीडियो, ये थी वीडियो ये थी कि एक रिपोर्टर घूम रहा है, मतलब कुछ क्वेश्चन वगैरह, लेकिन दरमियान में अफगानी टपक गए उससे जाए फिर ये बात हो गई कि रियल बात पाकिस्तानी और अफगानी और इंडियन की जो बात, क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया हमारे दुश्मन। अच्छा वो जो दुश्मन उसको समझते वो तो है, वो दूसरा वो जो मुंह में पान रखा हुआ था वो मुझे ठीक भी नहीं लग रहा था भाई, वो बेचारा खत्म था। एक तो अनएजुकेटेड था और दूसरा उसको कुछ पता भी नहीं था, बस कुछ पता नहीं था उसको, तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जो रियल बात जो अफगानी भाई ने की वो बिल्कुल रिलेटिव बोली भाई, जिसने नुकसान पहुंचाया नहीं है डेफिनेटली वो दोस्त भी होगा, भाई भी होगा, फ्रेंड भी होगा। सही कहा कि इंडिया हमें अच्छा देख रहा है, हमको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हम पे फर्ज बनता है कि हम भी उसको इसी तरीके से देखें। ये बात तो करेंगे ही करेंगे। बाकी अच्छी वीडियो थी, सोशल मीडिया शेयर करें। हालांकि टॉपिक कुछ और होता लेकिन जब बीच में वो टपक गए तब एकदम से जज्बात पलट जो है सब कुछ भाई पलट गए। तो अगर वीडियो पसंद आई प्लीज साथ में सपोर्ट मिल रहे हैं साहब। इतना ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।